बार क्या हमेशा कालासुर कुछ ना कुछ कर ही देता है, जहाँ गौरी हमेशा परेशान हो जाती है। मतलब गौरी गौरी चाहिए गौरी से, जिसकी वजह से वो गौरी के पीछे पड़ा है और राज के पीछे पड़ा है, क्योंकि गौरी का हस्बैंड राज है। बार भी मैं भगवान को याद करके यही बोल रही हूँ कि भगवान जी प्लीज़ मेरे राज की रक्षा करना, क्योंकि मैं राज से बहुत प्यार करती हूँ और मेरे प्यार के साथ अगर कुछ होता है तो तकलीफ होती है गौरी को, इसलिए मैं भगवान जी का सहारा ले रही हूँ। कालासुर के जो खून ने इस बार राज की बॉडी पर क्या इफेक्ट किया, क्या करने वाले? अब तो पूरा ट्रैक खुलना बाकी है। अब हमने जो प्रोमो में देखा है वो ये है कि राज के रगों में कालासुर का खून दौड़ रहा है। अब कुछ दूसरा ही ड्रामा होगा जहाँ राज कालासुर बन जाएगा। तो सोचो कि मतलब जब वो मेरे साथ रहेगा, और कभी कभी उसको जो अमावस्या की रात होगी या तो जैसे उमा जी इशारा करेंगे वैसे उसे कालासुर बनना पड़ेगा, तो कुछ अलग ही ड्रामा होगा। मेरे हिसाब से बहुत इंटरेस्टिंग ड्रामा है, क्योंकि गौरी का जो हस्बैंड राज है, जिससे गौरी बहुत प्यार करती है, वो ही मेरे जान का दुश्मन हो गया है और वो ही कालासुर बन गया। जी बिल्कुल, क्योंकि ये राज की माँ है ही नहीं, ये एक सरप्राइज है, राज की माँ कोई और है। एक्चुअली नो, ये एपिसोडिक होता है ना, तो हर एपिसोड में हमको भी तभी पता चलता है जब आपको पता चलता है। थैंक यू।